हर पेरेंट अपने बच्चों को अपना बेस्ट देना चाहता है और उनकी आंखें हमेशा बच्चे की खुशी, अच्छी हेल्थ और सक्सेसफुल लाइफ के सपने देखती है। लेकिन इस कोशिश में जाने अनजाने में पेरेंट्स भी बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। डियर पेरेंट्स, रिमेंबर मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग एंड एज अ मैच्योर्ड ह्यूमन we should forget the mistake and remember the lesson. So today we will understand parenting mistakes we should avoid, how to control our anger as parent, how much freedom should parent give while encouraging the child to grow safely, and finally all parents to meet five basic and essential needs of their children. गलतियाँ तो सबसे होती हैं। Part of being a good parent is being able to admit when you have made a mistake. So, firstly, let's know more on parenting mistakes. Many parents, they scold their children quite often. उनको लगता है कि बच्चों को डांटकर ही सुधारा जा सकता है। वे सोचते हैं अगर बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है तो उनको डांटना मारना बहुत जरूरी है। ऐसे पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों को कई बार दूसरों के आगे भी स्कोल्ड कर देते हैं, जिससे चिल्ड्रन फील ऑफेंडेड, समटाइम्स फियरफुल एंड ऑल्सो लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दिस लीड्स टू बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड पुअर रिलेशनशिप्स। बच्चों को हमेशा डांटने की जरूरत नहीं है, कई बार उनको अगर प्यार से समझाने से बात बन सकती है, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप बच्चे से बहुत ज्यादा अनॉयड हैं, देन आप बच्चे को इंडिविजुअली बुला सकते हैं एंड यू कैन स्कोल्ड योर चाइल्ड, जिससे बच्चा अपनी गलती भी समझेगा और आपको और आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करेगा। Appreciation or acknowledging your child's efforts is a must. हर बच्चा टॉपर नहीं होता और हर बच्चा हमेशा टॉप पोजीशन पे नहीं रह सकता, लेकिन अगर बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत की है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसको कोई प्राइज नहीं मिला हो, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया और आपने उसको अप्रिशिएट किया, दैट्स ऑल। लेकिन सोच के देखिए, सपोज अ चाइल्ड पार्टिसिपेटेड, लेकिन उसने पूरी मेहनत के बाद उसको कोई पोजीशन नहीं मिली, ही वॉज ऑलरेडी इन पेन, और आपने क्या किया, आपने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया। रिमेंबर, बच्चे की छोटी सी जीत को भी आप अप्रिशिएट करो, इससे बच्चा नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करेगा। Children have all right to voice and express their feelings and emotions. लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में पेरेंट्स के पास सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। उनको लगता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी बच्चों की बात सुननी है, उनसे बात करनी है और उनकी प्रॉब्लम को फिक्स कर देना है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनकी प्यारी प्यारी बातों को नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे। आई सजेस्ट लिसन टू योर चिल्ड्रन, इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मेकिंग देम फील वैल्यूड। कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। प्लीज अलाउ देम टू वेंट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट इट मे सीम टू यू। बहुत से पेरेंट्स बच्चों को प्यार तो करते हैं, लेकिन ना अपने प्यार को दिखाते हैं और ना ही जताते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाएंगे तो शायद बच्चा उनकी बात नहीं मानेगा और बिगड़ जाएगा। बट लेट मी टेल यू, इट्स द अदर वे अराउंड।
जब हम बच्चे को अपना प्यार नहीं दिखाते हैं तो बच्चा महसूस करता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो अपनी मन की बातें हमारे साथ शेयर भी नहीं कर पाता है। पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट डू दिस। किस देम, हग देम, लव योर चिल्ड्रन एंड ऑलवेज बी लव्ड। योर लव एंड अफेक्शन विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस एंड मेक देम more sincere and obedient in their day-to-day dealings. Comparison से तो बहुत ज्यादा damage होता है और comparison mainly start होता है बच्चे की school life शुरू होते ही। अक्सर parents अपने बच्चे के grades दूसरे बच्चों के grades के साथ compare करते हैं। इससे अपने बच्चे के grades तो बढ़ते नहीं, लेकिन उनके कंपैरिजन करने के कारण बच्चे की परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होता है। और बहुत से पेरेंट्स तो बच्चों का मजाक भी उड़ा देते हैं, उनको यहां तक बोल जाते हैं दैट यू आर अ फुलिश और मे बी समटाइम यू आर एब्सेंट माइंडेड, यू आर फैट, यू आर ब्लैक, यू आर ऑफ नो यूज। पेरेंट्स कभी भी बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, उनको बुली नहीं करें, as this may leave a permanent scar on your child's personality aur isse bachcha depression mein bhi ja sakta hai. Never ever compare your children with others. Aapke bachche jaise hain unko waise swikar kare. बहुत से पेरेंट्स बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। पेरेंट्स प्लीज नेवर इम्पोज योरसेल्फ, आप अपने ड्रीम्स अपने बच्चे पर ना ला दें। जो आप करना चाहते थे या आज जो आप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आपका बच्चा भी वो करना चाहेगा। ऐसा करने से बच्चे का जो खुद का हुनर है वो भी कभी बाहर नहीं आएगा। And you will ruin your child's life by doing so, as your child will neither live his her dreams nor yours. और ऐसा करने से आप बच्चे की सारी खुशी छीन लेंगे। The right thing to do is to let your child to follow his her dreams while supporting your child in his her endeavors. अक्सर पेरेंट्स कुछ भी करें लेकिन बच्चे के लिए नॉर्मली NONO होता है। चाहे वो घर का डिसिप्लिन हो, गुड फूड हैबिट्स हो, एक्सरसाइज रूटीन हो, स्क्रीन टाइम हो या कुछ भी, जरा आप सोच के देखिए आपके इस बिहेवियर का बच्चे पे क्या असर होगा। जब आप खुद समझदार होकर मैच्योर होकर रॉन्ग और राइट की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों को सही या गलत की पहचान कैसे कराएंगे। चिल्ड्रन टेक देयर पेरेंट्स एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स एंड दस ऑफन इमिटेट देम। सो पेरेंट्स फर्स्टली चेंज योर अप्रोच एंड प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। डू फॉलो योर ओन रूल्स टू सेट एग्जाम्पल्स। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को पेसिफाई करने के लिए, उनकी बात को टालने के लिए बिना सोचे समझे हाँ कह जाते हैं, जिससे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। रिमेंबर व्हेन एवर यू मेक अ डिसीजन एंड से यस, इट शुड बी इन योर चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। और अगर आप सोच समझ के हाँ बोलते हैं तो आप बच्चे को ज्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। बच्चों को डराना, उन पर चिल्लाना, इट इज अ माइनर फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। आप घर के रूल सेट करिए, नो इश्यूज, बट नो वर्बल नो फिजिकल हार्म प्लीज। दिस विल इमोशनली हार्म योर चाइल्ड एंड मेक योर चाइल्ड अ लो एस्टीम पर्सन इन फ्यूचर। सो नेवर लूज योर पेशेंस। आप बच्चे को डराकर धमकाकर कुछ भी करवा सकते हैं। यू आर अ पेरेंट,
लेकिन कल बच्चा आपके बारे में क्या सोचेगा? बच्चा रिश्ते रिश्तेदारी अपने घर से ही सीखता है। अगर घर में ही पेरेंट्स आपस में लड़ेंगे या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप सोच के देखिए कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर होगा। और आने वाले सालों में बच्चे के बिहेवियर में इसका क्या असर होगा? इफ पेरेंट्स हैव गॉट एनी इश्यूज, सो बेटर दे रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस सेपरेटली एंड सेट गुड एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अनप्लेजेंट सिचुएशंस देखते हैं, बच्चों के बिहेवियर में चेंज देखते हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं पाते कि गलती हो कहाँ गई है। आई नो पेरेंटिंग इज टफ एंड पेरेंटिंग हैज मेनी चैलेंजेस, बट सेम टाइम पेरेंटिंग में बहुत सुंदर और प्यारे मोमेंट्स भी होते हैं। कंट्रोल योर एंगर, इट्स ओनली वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। इसलिए चलिए जानते हैं एज पेरेंट बच्चों से डील करते हुए हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। ऐसा क्या होता है जिससे हम हाइपर हो जाते हैं? आई मीन व्हाट प्रोवोक्स अस? इट कुड बी डिस्टर्बेंस एट होम, लाउडर नॉइस और गेटिंग लेट, और इट कुड बी टू मेनी थिंग्स इन हैंड एट अ टाइम, और इट कुड बी बच्चों का नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करना, बच्चों को कुछ करने को कहा और उन्होंने किया नहीं, और घर का सामान फैला होना, और इट कुड बी चाइल्ड्स रूड बिहेवियर। एक बार हमें अपना ट्रिगर पता चल गया, वंस यू नो व्हाट इज योर ट्रिगर, देन नेक्स्ट यू नीड टू प्लान हाउ टू हैंडल दैट ट्रिगर। लेट से जब आप लेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप शाउट करते हैं, देन यू नीड टू हैव सम बफर टाइम, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं। हो सकता है सामान जब फैला होता है उसको देखकर गुस्सा आता है, सो व्हाट यू कैन डू, टाइम टू टाइम आप सामान जहां से उठाया था उसको वापस वहीं पे रखें। एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर होम रूल सो दैट अदर फैमिली मेंबर्स कैन ऑल्सो सपोर्ट यू। यू नो नोइंग योर ट्रिगर इज अ बिग डील, क्योंकि मेनली हमारे गुस्से की जड़ वही है। आपने स्टे काम सबको कहते हुए सुना है, कोई बोलता है 1 to 10 काउंट करो, यू विल बी रिलैक्स। कोई बोलता है रिवर्स काउंटिंग करो, 10, 9, 8, 7, यू विल बी रिलैक्स। कोई बोलता है डीप ब्रेथ लो 3 times, यू विल बी रिलैक्स, और ना जाने क्या क्या। बट जब हम ट्रिगर्ड होते हैं, हम कब कैसे कहां ब्लास्ट होते हैं हमें पता ही नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है हमें एक दिन में कितनी बार हम ट्रिगर होते हैं, कितनी बार हमें गुस्सा आता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है। मेक अ पॉइंट टू नोट डाउन एंड डू दिस सीरियसली टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। वंस यू आर एबल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, देन यू मे यूज एनी काम डाउन टेक्निक ऑल्सो। It's always better to caution your children. कई बार एक simple polite warning से काम बन जाता है। एक sober सी warning काफी होती है बच्चों को कुछ भी चीज मना करने के लिए। जब हम बच्चों को warn करते हैं तो बच्चे भी mentally prepared हो जाते हैं। In fact, they get time to react and get into action. जितना आप अपने बच्चों को जानते हैं उससे ज्यादा ही वे आपको जानते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर चिल्ड्रन। माई हस्बैंड वॉन्ट्स इन वेरी सिंपल वे, ही गिव्स अ काउंट ऑफ 3 टू माई गर्ल्स एंड सेज मैं 3 तक काउंट करूंगा एंड इट शुड बी डन, एंड बिलीव मी इट वर्क्स। इट्स मेनली सेल्फ कंट्रोल, taking a few minutes of time out before you lose your temper. Physically leave that place. You may go to the bathroom and wash your face, or you may yell into the toilet and flush it away, or you may try looking into the mirror. Yuck, how ugly, how scary you look when you are in anger.
जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो माइंडफुली आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ऐसा करके आप वापस आते हैं या तो आपका गुस्सा गायब हो जाता है और या एटलीस्ट कम हो जाता है एंड यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन मोर सेंसिबली। अपने अपने घर में अपने बच्चों के अकॉर्डिंग घर के रूल्स सेट करने बहुत जरूरी हैं, सो दैट योर चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डूज एंड डोंट्स एट योर होम। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां गुस्सा आ रहा है, यू नीड टू जस्ट रिमाइंड योर चिल्ड्रन ऑफ योर होम स्वीट होम रूल्स एंड योर चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली बिहेव। गुस्से से बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता है। चिल्ड्रन कैन नॉट बी टॉट व्हेन यू योरसेल्फ आर डिस्टर्ब्ड। कई बार गुस्से में हम बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं जो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाती है और हम बोल रहे होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी तभी इफेक्टिव होगा जब हम खुद शांत होंगे। सो वी नीड टू काम डाउन, वी नीड टू लिसन टू आवर चिल्ड्रन, देन ओनली वी कैन पुट अक्रॉस आवर पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे बच्चे हमें रिस्पेक्ट भी करेंगे और हमारी बात को भी समझेंगे। पेरेंट्स को बच्चों से हाई होप्स होती हैं। बच्चों को एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, बच्चों को नई स्किल सिखानी भी बहुत जरूरी है, बट डोंट ट्राई टू मेक देम चैंपियन इन एवरीथिंग। इश्यू वन डायरेक्टिव एट वन टाइम एंड एज आई ऑलवेज से, डू योर बेस्ट बट डोंट एक्सपेक्ट मच। वी नीड टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव एज पेरेंट्स, सो दैट वी हैव सफिशियंट टाइम टू मीट our children's all requirements and we don't yell out unnecessarily. Instead of yelling, try out getting down at your child's level. कई बार बच्चों के साथ बच्चा बनके उनके स्टाइल में उनको आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे बच्चे को आपकी बात समझ भी आएगी और आपको चीखने चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Take out some time for meditation. Start meditating for at least 5 minutes every day. This will surely help you to calm down in the heat of the moment. आप अपना काम छोड़कर बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाओ, उनकी बात सुनो, उनसे बात करो, तब अपनी बात समझाने की कोशिश करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। Isn't this a cooler way than yelling? Freedom of expression, freedom of speech, freedom from fear, freedom to speak the truth, freedom to play. As the best road to progress is freedom's road. लेकिन जहां बच्चों की फ्रीडम की बात आती है, हम सब पेरेंट्स बहुत डरते हैं। आइए जानते हैं बच्चों को एनकरेजमेंट के साथ हम कैसे, कहां, कितनी फ्रीडम दे सकते हैं। हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हम उनकी सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए हम डरते हैं कि कहीं हमने बच्चों को ज्यादा फ्रीडम दे दी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। देयरफॉर वी पेरेंट्स होवर ओवर आवर चिल्ड्रन एंड देयर फ्रीडम। But let me tell you, as parents, we should give reasonable freedom to our children to build the trust. Trust is a fundamental building block for all relationships. That's why, agar hum bachon ke saath jyada sakht honge, then children are also more likely to refuse, rebel and disrespect us. Ab sawal ye uthta hai ki hum bachon ko kitni freedom dein? किस एज से फ्रीडम दें? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन और शुड वी ड्रॉ अ लाइन एट ऑल? बिफोर आई मूव फर्दर इन टू दिस टॉपिक, पेरेंट्स टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन। इफ योर आंसर इज येस, यू ऑल आर ऑन द रॉन्ग पाथ एज यू कैन ओनली रेज कैटल नॉट ह्यूमन बींग्स। एज अ पेरेंट यू नीड नॉट टू रेज योर चिल्ड्रन,
You just have to allow your children to grow. Definitely, parents must set boundaries and rules, but as many as necessary, because बच्चों की जब freedom की बात होती है, बच्चों की freedom बहुत चीजों पे depend करती है, बच्चों की understanding, knowledge, skills, self-control, judgment और ना जाने क्या क्या. For example, अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है 5 साल का, क्या आप उसको अपने आप road cross करने देंगे? Does your 5-year-old child has sufficient knowledge, skills, self-control and a good judgment to be safe and successful? Of course, aap sabka answer no hoga, because ek chote se 5 saal ke bache ko complete supervision and guidance ki zarurat hoti hai. As a parent, hamare dimag mein bahut sare sawal uthte hain, jaise 7 saal ka bacha hai, kya isko ghar mein akela choda ja sakta hai? या 10 साल का बच्चा है, क्या ये अपने फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर के लिए जा सकता है? और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. However, for all these questions, the answers are based on each child's capabilities in mainly 4 areas of competency, that is knowledge, skills, self-control and judgment. नॉलेज बच्चे की एक ऐसी एबिलिटी है जिससे पता चलता है कि बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करता है. स्किल्स, इट इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल. सेल्फ कंट्रोल, इट इज टू रेगुलेट द फीलिंग्स. एंड लास्ट, जजमेंट इज टू मेक हेल्दी चॉइसेस. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर, फ्रीडम, इन सब में हम पेरेंट्स को एक बैलेंस बनाना पड़ता है. इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ. लेट्स से हमने बच्चों को फ्रीडम दे दी लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, सो फॉर श्योर बच्चे बिगड़ेंगे. अगर हमने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन कोई पावर नहीं दी, कोई फ्रीडम नहीं दी, यानी उनकी ग्रोथ के लिए हमने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी, फॉर श्योर बच्चे अपोज करेंगे, रिबेल करेंगे. रिमेम्बर, अगर बच्चा समझदार है, नॉलेजेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, हैंडल कर सकता है, तो ऐसे बच्चे को फ्रीडम भी देनी चाहिए और प्रिविलेजेस भी देने चाहिए. चिल्ड्रन हु डेमोंस्ट्रेट सेल्फ डायरेक्शन नीड लेसर पेरेंटल डायरेक्शन एंड गाइडेंस. सिंपल बात है, अगर बच्चा अपनी स्टडीज रेगुलरली अपने आप करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो पेरेंट्स बच्चे को फ्रीडम दे सकते हैं उसको अपने तरीके से चीजें हैंडल करने के लिए, अपनी स्टडीज करने के लिए, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. ऑन अदर हैंड, इफ चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लैक्स सेल्फ डायरेक्शन, देन चाइल्ड नीड्स मोर गाइडेंस एंड पेरेंटल डायरेक्शन. आप खुद ही सोच के देखिए, अगर बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है, अपने काम में सिंसियर नहीं है और आपने उसको खूब फ्रीडम दे रखी है, तो श्योरली बच्चा स्पॉइल होगा. वो कभी देगा नहीं, केवल लेगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग योर चाइल्ड फ्रीडम इज हैविंग द राइट कन्वर्सेशन अबाउट सेफ्टी, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन. As giving freedom is a constant process. For example, आपने बच्चे को एक नया स्मार्टफोन ला के दिया है स्टडीज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट सुपरविजन बहुत जरूरी है. बच्चे को यह बताना जरूरी है कि मोबाइल को जरूरत के हिसाब से यूज करना है, फिक्स टाइम में यूज करना है, एंड फाइनली यू नीड टू ट्रस्ट योर चाइल्ड टू यूज दैट मोबाइल फोन इंडिपेंडेंटली व्हेनेवर योर चाइल्ड इज रेडी. माय बिलीफ इज दैट इट इज आवर जॉब टू अलाउ आवर चिल्ड्रन टू फेल बट सेफली. पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द बेसिक नीड्स ऑफ अ चाइल्ड आर एंड हाउ यू कैन मेक श्योर दोज नीड्स आर मेट. Alright, let's get to it. We know control is the power and ability to make decision about how something is managed or done. A child whose control needs are not being met has a number of problems. Kabhi pet mein dard ya sar mein dard ka bahana kar ghar mein rehna jayega. Sometimes the child joins some gang or group which fulfills the desired need.
कुछ नशे के रास्ते में जाना पसंद करेंगे क्योंकि द हाई दे गेट गिव्स देम द फीलिंग ऑफ कंट्रोल. दे माइट क्रिएट इमेजिनरी फ्रेंड्स, हैव टेम्पर टैंट्रम, गो टू देयर रूम्स एंड रिफ्यूज टू कम आउट, लॉक देमसेल्व, रन अवे और थ्रेटन टू रन अवे. As a parent, it is very important to be in control of what happens to your children. You need to give control to your children without giving it up. Now, the big question is how to do that. Too much control is a mistake. An even bigger mistake for parents is to let their children control them. We all have seen a number of times where the child is unruly and undisciplined and the parent does not exercise their control. Controlling parents tell their children what to do. Jo parents control bachcho ko dete hai, apna control bina khoye, they provide choices and allow them to decide what they are going to do. As parent, you may always take control back if your child does not make an acceptable choice. Main aapko theek se samjhati hoon. Yahan parent apne bachche ko bol raha hai. When are you going to clean your room and finish homework? Hey parent alerts his children to the behavior he wants and same time bachchon ko choice de rahe hain ki kab wo apna kaam finish karenge. Now let's understand the next need, that is life, yani zindagi. Hum sab parents bachchon ko achhi zindagi ke liye unki achhi health ka dhyan rakh sakte hain. As parents, we need to focus on nutrition, exercise, fitness, weight, clothing, medication, sleep, etc. Another basic need is happiness, yani khushi. As healthy life and happiness goes hand in hand. Most of the time they balance each other and usually move together. Jab hum bachchon ki khushi ki baat karte hain, to na chahte hue bhi hame unke dost yaad aa jate hain. As friends have terrific impact on our child's behavior and happiness. Bachchon ke achhe dost hona aur kuch had tak khud unka dost ban jana bahut zaruri hai. Jo bachche happy hote hain, they are much alive and surely succeed in school as well as in life. Next, we try to understand what is the need of purpose. Tell me, is it possible to live a life without purpose? But to our surprise, even today, more than 55% of children go to school without a purpose. How sad. Control hai, jee rahe hai, lekin purpose uddesh nahi hai. This has no meaning and is useless. Jab uddesh nahi hota, to motivation yani prerna ki kami ho jati hai and children are not able to perform optimally in the school or in college. Bachchon ko decide karne do ki life mein karna kya hai. Agar uske goal har ek do saal baad badalte hai, to badalne do. Agar goal set karna hai ya goal ko focus karna mushkil hai, then the simple way is to ask them to identify a person or role model they like. Idea is setting a goal and focusing on it. The last and another very important basic need is being cared for. आपके बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप उनकी केयर यानी परवाह करते हैं कि नहीं. Let me tell you the easiest way to show your children that you care is to listen to them, उन्हें सुने. जब हम अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो हम उन्हें यह बता देते हैं कि हम उनकी कितनी केयर करते हैं. There are many other ways as well. Playing with them, going for jog, attending their functions, unko studies karana, sulana, etc. Unko pyar karna ya unki care karna both are different. Pyar karna keval ek feeling hai which exists but not seen always. Whereas caring behavior can be seen as well as also felt. Bahut baar jab hum bachchon ko discipline mein rakhne ke karan control karte hain to hamare kuch tarike bachchon ko ye sochne pe majboor kar dete hain that we don't care. Like let's say a child tells her mom, "Mom, I want to go to sleepover with my friends." अपने घर में discipline को ध्यान में रखते हुए maybe आप मना कर दें, but the child will neither like nor will try to understand. In fact, the child forms his her own opinion that you don't like his her happiness and you don't care about him or her. लेकिन अगर आप कहें, बेटा I love you, but don't like the sleepover business with friends. Hope you understand. Even if the child does not agree to your opinion, will soon understand.
इस भागती जिंदगी में बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं के कारण पेरेंट्स होना अपने में ही एक चैलेंज एक्सपीरियंस करना है, बट सेम टाइम बीइंग पेरेंट इज लाइफ ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। होप दिस कंपाइलेशन वीडियो मे मोटिवेट एंड हेल्प मेनी पेरेंट्स। रिमेंबर, इफ यू हैव नेवर बीन हेटेड बाय योर चाइल्ड, यू हैव नेवर बीन अ पेरेंट। Wishing you happy parenting. Don't give up. Stay strong. Bye-bye. See you. Jai Hind!